अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। गर्मियों के लिए खास मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेल्दी प्रोटीन रिच लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, गर्मियों में सभी को बहुत पसंद आएगा, भी आपको ठंडा और तरोताज़ा रखने में मदद करेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम के बराबर ओट्स, तो जो रेगुलर ओट्स हमें मार्केट में मिलता है उसे ले लिया है, और इसे लो से मीडियम आंच पर कढ़ाई में करीब 5 मिनट के लिए भून लेना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब मैं इसमें डाल दूंगी। जैसे 250 ग्राम मैंने ओट्स लिया है तो यहाँ पर उसका 1.5 गुना मैंने भुना हुआ जो चना दाल मार्केट में मिलता है उसे ले लिया है, और इसे भी ओट्स के साथ करीब 5 मिनट के लिए भून लूंगी। वैसे तो सत्तू मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप डायरेक्टली उसे खरीद कर भून कर लड्डू बना सकते हैं, लेकिन सत्तू न मिले तो इस तरह से घर पर भी आसानी से सत्तू का मिक्सचर बनाया जा सकता है। सत्तू भुने हुए चने दाल और जौ का जो मिक्सचर होता है उससे बनता है। हमारा जो ओट्स है वो और कुछ नहीं बल्कि जव है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेने के बाद ठंडा करके ग्राइंडर में इसे पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा तो भी चलेगा, ज़्यादा बारीक हो जाने से इन लड्डुओं को जब आप खाएंगे तो मुंह में आपको बाइंडिंग जैसी महसूस होगी, इसीलिए थोड़ा सा दरदरा ही इसे रखें। और थोड़ा सा पीस लेने के बाद यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है, तो गुड़ पूरा मिक्सचर करीब 600 से 650 ग्राम है, तो यहाँ पर मैंने बराबर मात्रा में गुड़ ले लिया है। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह से डालूंगी गुड़ को, और फिर इस सत्तू के मिक्सचर के साथ ही इसे भी पीस लेना है। पूरा मिक्सचर तैयार कर लें, और फिर यहाँ पर अब कढ़ाही में मैं ले लूंगी 250 ग्राम के बराबर देसी घी, और इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लें। इसे अच्छी तरीके से गर्म करने का कारण ये भी है कि जब सत्तू का मिक्सचर इसमें मैं डालूंगी तो घी की गर्माहट से गुड़ जो है नरम पड़ जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और उन्हें मिक्स करना और भी आसान हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर गर्म घी में डाल देने के बाद आँच को बंद कर दें और फिर लगातार चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर करीब करीब 600 से 650 ग्राम था, जैसे कि 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा अगर ओट्स होगा तो करीब उसका 2 गुना मैंने यहाँ पर भुना हुआ चना दाल ले लिया है और इन सारी चीज़ों को पीस लिया है। तो यहाँ पर करीब करीब 400 से 450 ग्राम भुना हुआ चना दाल है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर इसे हल्का सा ठंडा हो जाने दें, उतना ठंडा जितना कि आप सह सकें। और फिर यहाँ पर ये देखिए फ्लेवर के लिए मैंने इलायची पाउडर भी डाला है, इसे भी साथ में मिक्स कर लूँगी। और फिर बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटे हुए बादाम है इसे डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, इसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। एक बार ये ठंडे हो जाए उसके बाद इनको हाथों से मसल मसल के गुड़ को मसलते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें कि जब हल्की सी गर्माहट रहे तभी आप इसे मसलना शुरू करें, जिससे कि गुड़ नरम होंगे और अच्छे से ये मसलते हुए मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा देसी घी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए। अभी ये काफ़ी मिक्सचर ड्राई था तो करीब करीब 300 ग्राम देसी घी मैंने यहाँ यूज़ किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद और फिर यहाँ पर मैं अब लड्डू बनाना शुरू करूँगी। आप बाइंड करके एक बार देख लें, अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा देसी घी आप और डाल सकते हैं, लेकिन अगर बन रहे हों तो देसी घी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो फिर लड्डू जो है वो शेप नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाए, बाइंडिंग आ जाए, गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इस तरह से लेना है और इस तरह से इसे शेप देते जाएँ। गाँव में तो इन लड्डुओं को और भी थोड़ा बड़ा ही बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एवरेज साइज़ रखा हुआ है। इस तरह से इनको बाइंड कर लें, अच्छा सा शेप दे लें, स्मूथ कर लें बाहर की तरफ से, एकदम स्मूथ सरफेस हो। तो इस तरह से आप लड्डुओं को शेप दे लें। ये देखिए यहाँ पर एक लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैं सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लूँगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, प्रोटीन रिच है, तो आप इन लड्डुओं को गर्मी में खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।